गुलाब सिंह। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं तब एक दिन और एक ही तारीख पढ़कर क्यों चले। उसके घर में माता पिता थे, बहन थी, वह पूरे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल रोक दिया, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चना चूरा लाई और भैया को खिलाने चली। यह बात और है कि उसके बाद भैया का बुखार बढ़ा। इसके लिए वह माँ बाप का गुस्सा सहने को तैयार थी, पर भाई ने भी वह गुड़ चने की बात किसी को न बताई। किसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया। रोग गया और बहन के प्रेम की वह बात सदा के लिए भाई के मन पर छप गई। ऐसी एक नहीं, अनेक बातें बहन की, पिता की, माँ की उसके मन पर छप गई थी। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए फूलों में भी नई जान आ गई। यह उमंगों वाली हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकला। कौमी झंडे का जुलूस था वह, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। झंडा ना निकले, शहर में आतंक छा गया। बड़ा जालिम था वह बादशाह, बहन ने कहा। क्यों ना निकले जुलूस, भाई ने बहन से कहा। बहन क्या कहती है, उसने फिर कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह, भाई ने कहा। होगा कोई, बहन ने फिर कहा। क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा, भाई ने कटुता से जवाब दिया। हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, उत्तर था, तो जुलूस निकले झंडा निकले, यह उत्तर था या निश्चय। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडे का कपड़ा बना दिया। भाई ने अपने खेलने के डंडे में उसे बांधा। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, कहाँ जाते हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन का आग्रह था। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी, भाई ने कहा। नहीं भैया, नहीं भैया, भैया जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक और अक्षत देकर विदा करो, जैसे कोई राजकुमारी राजकुमार भाई को विदा करती है। राजकुमारी? हाँ, राजकुमारी, बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली दी और थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई, एक दिया भी जला कर रख लाई। भाई की आरती उतारनी थी। बहन को आरती उतारना बहुत भाता था। बहन ने मुस्कुराते हुए पर गंभीरता से भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाया, चावल बिखराए और आरती की ओर बीड़ा पान खाने को दिया। वह छोटा सा बीड़ा बनाकर ले आई थी। पगली ने सुन रखा था कि राजकुमारियां वीर को विदाई पर पान का बीड़ा भी देती हैं। भाई ने बहन के पैर छुए और विदाई ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरे और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारियां इस तरह विदा करती थीं और खड़ी देखती रह जाती थीं। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देखती रही। बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा उसके हाथ में था। गोलियां चल जाने पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि सड़क पर जाता और घायल को संभालता। बहन ने उसे गिरते हुए देख लिया। न जाने क्यों उसका दिल पहले ही घबरा रहा था। वह अकेली दौड़ पड़ी और जा पहुंची। भाई खून से लथपथ हो गया था। पुकारा, भैया, भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। बोला, तू आ गई, ले यह झंडा ले। बहन ने झंडा ले लिया, पर भाई चला गया। बहन रोई पर हाथ में झंडा लिए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए थे। भाई को विदाई देने के लिए बहुत से लोग आए। बहन हाथ में झंडा लिए आगे चल रही थी। यह कहानी किसकी है? यह कहानी है जबलपुर के वीर बालक गुलाब सिंह की।